माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए कर रही हूँ। ये गीतिका प्रस्तुत कर रही हूँ, देखिए आप। मनुज को मनुजता का अभिमान देना, धवलता रही यही भान देना। मनुज को मन देना, धवलता रही यही भान देना। विनाशित तमस हो प्रताड़ित धरा से, मनस उर्वरता प्राण सम्मान देना। विनाशित तमसा से, मनस उर्वरता प्राण सम्मान देना। कृपण भावनाओं घटाओं सुलाकर, मुदित देह देना। कृपण भावनाओं घटाओं सुलाकर, मुदित देह काया सदा ज्ञान देना। सजाई मदन भी कुसुम आग मन को, बजी तार वीणा यही दान देना। कुसुम आग मन को, बजी तार वीणा यही दान देना। प्रकृति प्रेम मुखरित कहे मीन आया, हृदय वेणु खोले सदा। प्रकृति प्रेम मुखरित कहे मीन आया, हृदय वेणु खोले सदा मान देना। तुम ही शारदा हो हमारी रमा हो, रहे प्राणियों में प्रतिष्ठान देना। हो हमारी रमा हो, रहे प्राणियों में प्रतिष्ठान देना। मिटा वेदना पीर को माँ जगत से, बंधे बंधु बांधव का जय गान देना। मिटा को जगत से, बंधे बंधु बांधव का जय गान देना। मदन झूमता गारा परागित सुवासित आयुष्मान देना। मदन झूमता गारा शारदी को, परागित सुवासित आयुष्मान देना। मनुज लोभ त्यागे रहे कल्पनाएं, अज्ञानी समझ लेना। मनुज लोभ त्यागे रहे कल्पनाएं, अज्ञानी समझ ले परा प्राण देना। रमी योग में मनु तभी पाना तुझी को, हमें ज्ञान देना। रमी योग में मनु तभी पार पाए, जपे माँ तुझी को हमें ज्ञान देना। मनुज को मनुजता का अभिमान देना, धवलता रही ही ना। इसी मध्य मेरी परम मित्र शोभा और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, मैं आपका सादर अभिनंदन करती हूँ। और ये वंदना मैं किसी भी पटल पर प्रथम बार मैंने इसको गाया है। हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था को भारतीय उत्पादकों का प्रयोग अति आवश्यक है, और ये आज के समय की पुकार भी है कि हमें भारतीय उत्पादों को अपनी दैनिक जनजीवन शैली में प्रयोग में लाना चाहिए और उसको हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए। तो इन्हीं भावों को लिए हुए समय की पुकार एक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। भारतीय उत्पाद भोगता जो विदेशी प्रयोग, राष्ट्रभक्ति का है योग भाव मन में धरो। सदा देशी की पुकार एक सूत्र मंगार शुद्ध अंत हवरो।
खिलते अनेकों फूल माटी का यही है मूल, बहे गंध अनुकूल मान माही का करो। देशभक्ति देशभक्ति मात्र भूसे अनुरक्ति, तिरंगे की बने शक्ति प्राण रिपु के हरो। भारती उत्पाद भोगता जो विदेश भाव मन में धरो। सदा देश की पुकार एक सूत्र बंधे प्यारे, राग द्वेष का संगार शुद्ध अंत हवर। माटी का यही है मूल, बाही गंध अनुकूल मान माही का करो। देशभक्ति देशभक्ति मात्र भूसे अनुरक्ति, तिरंगे की बनो शक्ति प्राण रिपु के हरो। तिरंगे की बनो शक्ति प्राण रिपु के हरो। आदर वो इस मध्य जुड़ गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। अनेकता में मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, अपने सभी मित्रों को भी शेयर करते हुए चलिए। अनेकता में एकता को मनाने वाले भारतवासी सभी त्यौहार बड़े प्रेम से मिलजुल कर मनाते हैं, और इस वर्षा ऋतु का तो कहना ही क्या, इसमें तो बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं, और इसके साथ ही हरियाली की साथ बहुत सारे लोक गीतों की भी जैसी बहार आ जाती है। सावन है, झूला है, कजरी है, चैती है, हर प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। तो जो लोकगीत मैं आप सभी के समक्ष अभी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये उत्तर प्रदेश की लोक धुन पर आधारित है। इसमें जब सखियाँ झूला झूलती हैं तो वो किस प्रकार गाने गाती हैं, देखिए आप इसको। सखियाँ झूल रही मतवाली है राधा रानी संग में, ढूंढे कहाँ गया बनवारी है राधा रानी संग में। सखियाँ झूल रही रानी संग में, ढूंढे कहाँ गया बनवारी है राधा रानी। दूर से मारी सखी कही मुरारी आरे, झूठे जोर जोर से मारे सखी कही मुरारी आरे, राधा संग पैंग बढ़ारे ही हमें यही लगन, पैंग बढ़ारे ही हमें यही लगन लगी है। सखियाँ झूल रही मतवारी है राधा रानी संग में। इसी मध्य मेरी माता श्री भी जुड़ गई हैं, मेरी माँ स्वयं कवयित्री हैं, तो मैं अपनी माँ को भी चरण वंदन करती हूँ। आगे का बंद देखिए। झूला कदम्ब डारी डारा राधा का मनवाहारा, झूला कदम्ब डारी डारा राधा का मनवाहारा, जो ही बाटवा में अगन लगी है। सखियाँ झूल रही मतवारी है राधा रानी संग में, ढूंढे कहाँ गया बनवारी संग में। और इस त्यौहार में सभी जो हमारी महिलाएं हैं खूब श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, उन्हीं भावों को ये अगला बंद कह रहा है। सखियों ने मेहंदी रचाई पर राधा को ना, मेहंदी रचाई पर राधा को ना भाई, राग रास बूंद बरसारे देह झूल रही मतवारी है राधा रानी संग में, ढूंढे कहाँ गया बनवारी है राधा रानी संग में। मैं अपनी मौसी से निवेदन कर रही हूँ कि वो इस पोस्ट को शेयर करें, और मेरी मित्र प्रभाती मिश्रा जोड़ना चाहती है तो आदरणीय देवेंद्र जी। माँ श्याम घन नहीं छाई जियरा की तड़प जगाए, श्यामा श्याम घन नहीं छाई जियरा की तड़प जगाए, श्याम मन में ये सिवन लगी है। सखियाँ झूल रही मतवारी है राधा रानी संग में, ढूंढे कहाँ गया बनवारी है राधा रानी संग में। बादल तू जाकर बतला रे पुरवाई कहे तुआरे, बादल तू पुरवाई कहे तुआरे, आए कान्हा कदम
भारी प्रीति से भुवन सजी है, सखियां झूल रही मतवारी है, राधा रानी संग में ढूंढी कहाँ गया बनवारी है, राधा रानी संग में धारानी कान्हा झूमत ही जानी, झूला झूले राधा रानी रानी, झूमे अंबर धरती गारे, झूले में नमन बसी है सखियां झूल रही मतवारी है, राधा आ गया बनवारी है, राधा रानी संग में। अभी आप सभी को पता है कि राफेल ने हमारी धरती पर पग धर दिया है, तो इसी भावों को संजोए हुए एक मुक्तक कहकर आप देखिए। मैंने किसी देश का नाम नहीं लिया है, केवल संकेतों में अपनी बातों को कहने का प्रयास किया है। टेढ़ी नजरें रखता ड्रैगन धोखे को जपता जाता, टेढ़ी नजरें रखता ड्रैगन समझाने पर बात किसी की कहाँ कभी सुनह पाता, खैर मनाए बकरा अपनी, आए हैं राफेल दादा, सुन दहाड़ कर बाघ राज की सिर दुपकाना ही भाता, और जैसा आप सभी को पता है कि कल इतनी हमारी करीब 400-500 वर्षों की जो प्रतीक समाप्त हो रही है, और कल राम मंदिर की नींव का जो है वो नींव रखी जाएगी, तो उन्हीं राम मंदिर परिभावों के लिए हुए ये दूसरा मुक्तक मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। बरस बरस थी तरसी अखियां आशा का संचार बहा कभी पधारोगे रघुराई अवधपुरी संसार कहा, अभी मेरी दूसरी मौसी भी जुड़ गई है। मौसी मैं आपको चरण वंदन करती हूँ, आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बरस बरस थी तरसी अखियां चार बहा कभी पधारोगे रघुराई अवधपुरी संसार कहा। प्रभाती आप मेरी फेसबुक में जाइए और वहां से आप उस लिंक को टच करेंगे तो आप यहाँ पटल पर आ जाएंगे। राम भक्त की आस्था से ही शंख बजा देवालय का, फलित भक्त की हो गई भक्ति राम जन्म का धाम रहा, अभी कल ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और रक्षाबंधन के संबंध में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी ये है कि जब इंद्र असुर राज बलि से हार गए थे तो उनकी पत्नी सची विष्णु के पास वलय बनाकर सची को दिया, और जिसको पहनकर इंद्र ने दैत्यराज बलि को का संहार किया। के समय द्रौपदी ने कृष्ण जी को और कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु को ये रक्षा सूत्र बांधा था। पर सबसे रुचिकर जो कथा है वो है कि जब यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्षों तक बहुत बेचैन हो गई, ये संदेश उन्होंने गंगा जी के माध्यम से यम को पहुंचाया। यम जी आए, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अमृत प्रदान किया। तो भाई बहन के प्रेम को इसी कारण याद किया जाता है। तो मैं रक्षाबंधन पर ही, ये मेरा बहुत ही पुराना गीत है, जब सृजन आरंभ किया था ये उस समय का गीत है। देखिए, भैया मेरे
पूर्णि चंद्र संग आना, बहन से रक्षा बंध बंधवा जाना। भैया मेरी पूर्णि चंद्र संग आना, बहन से रक्षा बंधना। एक ही घर की धूप छांव बनी थी, साथ ही खेले फिर रूठे मने थे। मीठी गठरी बीती यादों की तुम, मीठी गठरी बीती यादों की तुम, संग मिलाना लविलवा। मेरी पूर्णि चंद्र संग आना, बहन से रक्षा बंध बंधवा जाना। बहन पर जब भी कोई कष्ट आता है तो भाई हमेशा उसके लिए उपस्थित रहता है। काली छाया जब केतु घिरा, की तो संकल्प जाए, मुझको अपनी निस्वार्थ प्रेम की, मुझको अपनी निस्वार्थ प्रेम की, झलक दिखलाना मन झुलवा जाना। भैया मेरी पूर्णि चंद्र से रक्षा बंध बंधवा जाना। भैया मेरी पूर्णि चंद्र संग आना, बहन से रक्षा बंध बंध। अब बहन की क्या कामना है देखिए, कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है, तो बहन ये चाहती है कि हर जन्म में आप ही मेरे भ्राता बने। है जीवन में यही कामना भाई, हम दोनों की मेरे ही भ्राता सदा रहोगे तुम, मेरे ही भ्राता सदा रहोगे तुम, बतला प्रभु। भैया मेरी पूर्णि चंद्र संग आना, बहन से रक्षा बंध बंधवा जाना। भैया मेरी पूर्णि चंद्र संग आना, बहन से रक्षा बंध बंधवा जाना, बंधवा जाना। आप सभी इसको शेयर करते चलिए। भारत देश और भारतीय संस्कृति महान है, भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ले रहा है। प्रातःकाल सूर्य देव के उदित होने के पश्चात हमें क्या नियम अपनाने चाहिए, यही दर्शा मरहटा छंद पर आधारित मेरा ये सृजन देखिए। सवेरा इसको मैंने शीर्षक दिया है। दीवाणी रीत करो हर बार, रवि पूरब आए आशा लाए, दीप्त धरा संसार। जग हुआ सवेरा वेद नियम सुविचार, निस दिन तन जाने मन से माने, नित्य क्रिया की धार। सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, जब हम उठते हैं तो उसी में लक्ष्मी हरि और सरस्वती का निवास होता है, और उसके पश्चात धरती को नमन करना चाहिए। देखिए अगले मन में, कर खोल कर नमन लक्ष्मी दर्शन, हर सरस्वती वास, धन पाता हस्त कर्म विश्वास। ये मही हमारी प्राण पुजारी, आशीषों की आर्यो सदमति आर्यो, यही जगत की प्यास। प्रभाती का मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि वो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती है, तो आदरणीय देवेंद्र जी उसको इस कार्यक्रम से जोड़ दीजिए। फिर हमें इसके पश्चात क्या करना चाहिए, कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, गौ माता को रोटी देनी चाहिए, माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। जल सूर्य चढ़ाओ भजन सुनाओ, पान गौ रोटी देकर शंख नाद कर, पावन भावो मान। रख देह शुद्धता तज अशुद्धता, माता पिता सम्मान, जमानता प्रात काल जयगान। प्रातः काल जब हम योग करते हैं तो ये सभी रोगों का नाश करता है, और इससे हमारी देह बलशाली होती है। बेला प्रभात की पारी जब बयार,
दुख रोग भगाई योग कराई देह शक्ति का सार जीवन आलोकित चलन निवेदित कष्ट करी प्रतिकार सुन प्रथा पुरातन कृत्य नवल जन पार सुन प्रथा पुरातन कृत्य नवल जन प्राण कोश उपकारातन कृत्य नवल जन प्राण कोश उपकार। इस कोरोना के काल में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके क्या क्या लक्षण में इनके कवि हृदय जो है वो जैसा अपने चारों तरफ देखता है उसी प्रकार वो सृजन करने का प्रयास करता है। तो ये तंत्री छंद पर आधारित इसको देखिए। काल निवेदन करता प्राणी आले की तू तज क्यों रेखा चरण उठे जो ग्रह से तेरे घर लौटे कोरोना लेखा। घर से पैर बाहर निकालेंगे तो कोरोना लेके आएंगे। करे संक्रमित मनुज देह को विषधारी विश्व को इसने घेरा चीनी मन से इसको पाया। चाइना से ये इसका आरंभ हुआ था हमें पता है। स्वच्छ करो तन स्वच्छ रखो मन सांसों का आरोहण मारे ताप बढ़ाता देह धारे देह बढ़ाकर रोधक क्षमता जन तन से रखनी है दूरी मुख मत छूना दोनों हाथों हो स्वभाव में शुचिता पूरी। मतलब एक दूसरे से दूरी रखें और जो है हाथों से अपने मुंह को ना छुए। शंख नाद जब बजा दिया है धरो शपथ लड़कौरो मानुष काया विलय निलय जन जन को नासे एक सूत्र है एक प्राण भी अंकुश की जो साधे डोरी मर्यादित हो अंतर मन हो कोरोना की किस्मत कोरी दर्प वदन का दीन ही लागो सीमा मेरा तन कण रहे अछूता अनृत भ्रमण को कर दो धीमा आवाहन है सकल जगत जगत का मिटा सके विष की बीमारी हे मंथन तुम पल पल करना हे मंथन तुम पल पल करना देव रही दानव पर भारी हे मंथन तुम पल पल करना देव रही दानव। हाँ यस, इसी मध्य मेरी प्रिय परम मित्र प्रभाती और शोभा मेरे हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और गीता जी भी उनका मैं और जन सरोकार मंच के पटल पर उपस्थित सभी मनीषियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देवेंद्र जोशी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने इस पटल पर आने का अवसर प्रदान किया और अपनी प्रिय अनुजा हूँ जिसने मुझे कहा कि दीदी आप इस पटल पर आइए। गीता जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन है और आपको हार्दिक धन्यवाद। अरे मेरी मित्र रजनी रामदेव जी भी जुड़ गई हैं, आपका भी मैं आपको नमन करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको वियोग श्रृंगार की तरफ ले जा रही हूँ। जब अपनी प्रेसी से दूर रहते हैं तो वो प्रेसी क्या अनुभव करती है, इन्हीं भावों को कहकर मैं आपसे जुड़ रही हूँ। पिया काही सुध बिसरी मोरी आजा खेली हम तुम पिया पिया काही सुध बिसरी मोरी आजा खेली हम तुम होरी फुहारी तन को भिगोई सूखा मन का कोना सजना के सा भाग्य बदाई अश्रु बन
बिछा मरुथल बनती नयनों को अब सींचती सजना चकोरी पिया पिया काहे सुध बिसरी मोरी आजा खेले हम तुम होरी। और इसी मध्य आप सभी से निवेदन है कि आप इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करते चलिए। घट भर भर करे जल भी प्यास बढ़ाता जाए घट भर भर बालम प्यास बढ़ाता जाए नाम तिहारा टूटती वाणी हाए जाती स्वर भी कैसे कोयलिया की हो री पिया काहे सुध बिसरी मोरी आ जा हम तुम होरी। होली के रंगों में प्रियतम यादों की है टोली के प्रिया रंगों में प्रियतम यादों की है टोली देह महकता रंग गुलाल का अबीर चहकती ही को महका ते उपवन में पतझड़ बन मन गोरी पिया पिया काहे सुध बिसरी मोरी आजा खेली हम तुम होरी। इसी मध्य मेरी मित्र अन्नपूर्णा जुड़ गई है। अन्नपूर्णा जी मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। और मेरी दीदी बोल रही हैं कि वो जुड़ नहीं पा रही करने के लिए कहा है पिया पिया काहे सुध बिसरी आजा खेली हम तुम होरी आजा खेली हम तुम होरी। हमारे समाज में माँ के ऊपर बेटी के ऊपर नारी के ऊपर बहुत सृजन कहे जाते हैं काफ़ी कुछ लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। थोड़ा रचनाकार भी जो है वो कंजूसी कर देते हैं लिखने के लिए। तो मेरा ये जो अगला गीत है ये विधाता छंद पर आधारित है और इसको मैंने एक निर्धन पिता को ध्यान में रखकर लिखा है। देखिए धनवान हो निर्धन पिता जीवन सजाते हैं भले धनवान हो निर्धन पिता जीवन सजाते हैं थपेड़ी राह से झेल जाते हैं थपेड़ी राह के तो वह हंसी से झेल जाते हैं सुधा की टोकरी में जब रहना अन्न का दाना उधर मेरा निगाही आस का छाना हृदय तब तात का छलनी हुआ तो सोचता उस पर कभी तो जीत लूंगा इस रुलाती वही तो जीव अंशों की ललक को ही
बुझाते हैं, थपेड़े हंसे से झेल जाते हैं। भले धनवान हो निर्धन, पिता जीवन सजाते हैं। थपेड़े राह के तो झेल जाते हैं। उपजता प्रश्न ये मन में, सामाजिक वर्ग का अंतर। रमी जाति डपता, दीन का है दर। करे संकल्प बलशाली, बनेंगे हम सहायक ही। रहे सहयोग तन मन का मालक ही। मिले धन हीन को अवसर, जनक घर को चलाते हैं। मिले धन हीन को अवसर, जनक घर को चलाते हैं। थपेड़े राह के तो वह हंसी से झेल जाते। मान हो निर्धन, पिता जीवन सजाते हैं। थपेड़े राह के तो वह हंसी से झेल जाते हैं। थपेड़े राह के तो वह हंसी से झेल जाते हैं। थपेड़े वह हंसी से झेल जाते हैं। इसी मध्य मेरी मित्र सुनीता विश्नोनिया जी भी जुड़ गई हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करती हूँ, आपको सादर नमन कर। प्रभु में आस्था प्राणी का स्वभाव है। दैवयोग से जिसमें ये आस्था प्रबल होती है और प्रभु की अनुकंपा होती है, ऐसे ही महाज्ञानी रघुवर भक्त तुलसीदास थे, जिनकी की अभी हमने गत दिनों जयंती मनाई थी। तो आस्था पर मेरा ये मंदाक्रांता छंद पर आधारित सृजन देखिए। नैना खोलो मुकुल मन की, प्रेम धार धीरे धीरे मनन करके। बुद्धिवाणी जगाओ, ज्ञानी प्राणी मुखरित करें। भाव की सत्य धारा, भावों देता अमीय ही को। आशा जागी अनुसरण की, ईश को ही पुकारी। आस्थावानी हरि लगन में, धर्म धारी सवारी। स्वभाव करो पूर्ण आस्था निखारो, जागी आस्था हृदय मन के। तीव्र कांक्षा विच खंडों रघुवर कथा, थे लिखे ज्ञान भाई। ये गाथाएं लिखत तुलसी, जीव आत्मा जगाई। अंतर सदा भक्ति की भक्ति धारा, ये लीलाएं सत विजय की। मान आस्था सहारा, सारी देवा राम रामा विराजे। रामा रामा कण कण बसे, देव पूजे सुराजे। आस्था ऐसी रघुसिय धरा, वक्षयोगी तरे थी। धर्मारागी दर्शन करीला हरे थी। देखिए, जो शक्तिशाली होता है उस पर मैंने ये ताकत, पर मैंने ये अतुकांत सृजन रचा है। देखिए इसको, कैसी गोली कहाँ गोली कहाँ से आई, किसने किसको मारी, क्या ताकत थी उसके पीछे। कैसी गोली कहाँ से आई,
किसने किसको मारी, क्या ताकत थी उसके पीछे, पैसा धन अगर नहीं तो कौन जिम्मेदार उस गोली का, कैसी गोली कहां से आई, किसने किसको मारी, क्या ताकत थी उसके पीछे, पैसा धन अगर नहीं कौन जिम्मेदार उस गोली का, ढूंढ रहे सब जवाब तुम भी ढूंढो, ढूंढ रहे सब जवाब तुम भी ढूंढो, शराबी ने मारी थी। पुलिस वाले ने बताया एक शराबी ने मारी थी, कानून से लेकर शासन उस शराबी को ढूंढ रहे हैं। पुलिस वाले ने बताया एक शराबी ने मारी थी, कानून से लेकर शासन उस शराबी को ढूंढ रहे हैं, बेचारा शराबी। समय भी अब केवल एक ही मिनट बचा है, सर्वप्रथम जितने भी आज इस मंच, जो भी इस मंच से आज जुड़े थे, उन्होंने अपना इतना समय दिया मेरे सृजन को सुनने के लिए, मैं उनको सादर नमन करती हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आपने अपना, मैंने कुछ कहा उसको आपने सुना। इसके साथ ही साथ मैं जन सरोकार मंच के जो आदरणीय देवेंद्र जोशी जी हैं, उनका मैं हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया जिससे कि मैं आपों के साथ जुड़ सकी। तो अंत में आज मंगलवार है और मैं हनुमान जी पर मेरे आराध्य हैं एक घनाक्षरी कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये डमरू घनाक्षरी है, देखिए। जगत कमल नयन वर गगन धरन मन प्रभु सम बलवत मद कब झलकत नग कर धरगत अटल अचल तन सहचर बन झट मार कट सर पट पट वट वन तट जलत कनक धन चरण शरण चल वचन मनन पल सपन बरन हल परम तरण जन नन पल सपन बरन हल परम तरण जन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।